नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफी मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीएफएम न्यूज चैनल के खुसूसी बुलेटिन। सीएफएम न्यूज चैनल फिर आपके सामने, आपके इलाके की ताजा तरीन खबरों को लेकर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आइए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ताजा खबर ये है कि प्रियंका गांधी ने ये कहा है सरकार को कि कोरोना वायरस में काबू पाने के लिए हम लोग को टेस्टिंग का रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। हिंदुस्तान में जो टेस्टिंग का रेशियो जो चल रहा है, इस मामला में हम श्रीलंका और पाकिस्तान से भी पीछे चल रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ये आई है कि वेस्ट बंगाल पटाखा एसोसिएशन के बाबला राय ने ये बताया है कि गुजश्ता रात प्रधानमंत्री के आदेश पे जो दीप जलाने का प्रोग्राम किया गया था, उसमें वेस्ट बंगाल में 9 मिनट में तकरीबन 6 करोड़ के पटाखे फोड़े गए, जिसकी वजह से पॉल्यूशन में भी इजाफा हुआ है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि इधर देखा यह जा रहा है कि लॉ कोरोना वायरस की वजह कर 2 माह में मुकेश अंबानी की जो इनकम हुआ करती थी, उसमें 28% का गिरावट आ गया है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी हमेशा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा कि सितरामपुर स्टेशन रोड में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा और एमआईसी मीर हासिम की निगरानी में पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया और साफ सफाई किया गया है। बराकर के पुलिस ऑफिसर रविंद्र नाथ जहां लोगों की तहफुज फराहम कर रहे हैं, लोगों की देखभाल कर रहे हैं, वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि भूखे को वो खाना भी खिला रहे हैं। उन्होंने बताया है कि हम लोग कोरोना वायरस से, बहुत सी ऐसी खबरें आ रही है कि बहुत से घर में चूल्हा नहीं जल रहा और वहां पे उनको खाना पहुंचाने का कोई माध्यम नहीं है, तो ऐसे लोगों का हम लोगों ने सिग्निफाइज कर लिया है, ऐसे लोगों की निशानदेही करके उन तक हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एक बड़ी खबर ये आई कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जितेंद्र कुमार तिवारी ने लोगों को ये बताया है कि जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाते वक्त एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उनको भी राशन दी जाएगी। उन्होंने बोरो चेयरमैन की एक मीटिंग में कहा कि ऐसे लोग जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं, लेकिन उनकी राशन कार्ड अब तक बनकर नहीं आई है और उनके पास अगर उस किस्म का रसीद है, तो राशनिंग जो डीलर ऑफिसर है उनको एक कॉपन दे दिया गया है और उन्होंने अपने वार्ड काउंसिलर से रिक्वेस्ट किया कि आप राशन डीलरों से मिलकर जो लोग राशन बनाते वक्त जिन्होंने जो अप्लाई किए थे उनके पास अगर कोई कोई रिसीव है, तो फिर उनको कूपन दी जाएगी और वो कूपन के माध्यम से राशन को ले सकते हैं। इस कोरोना वायरस की मुसीबत की घड़ी में हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान दिलो जान से हर तरह जिसके पास जो है अपनी अपनी विस्तार के मुताबिक लोगों की मदद कर रहा है। आज ही रानीगंज गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने वेस्ट बंगाल सीएम रिलीफ फंड में 1,10,000 रुपए के एक चेक मेयर को सौंपा। मेयर ने लोगों को शुक्रिया अदा कहा और लोगों से ये कहा कि ये मुसीबत की घड़ी में आप लोग से जो भी हो सके आप कुछ ना कुछ मदद करें ताकि हम लोग कोरोना वायरस से निकल पाए। दोस्तों, ये देखा जा रहा है कि इस मुसीबत के घड़ी में जहां कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, वहीं पे जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो अच्छा काम कर ही लेते हैं। ऐसा ही नजारा आसनसोल में उस वक्त देखने को मिला जब एहसास वेलफेयर सोसाइटी की एक तंजीम है जिन्होंने शबे बारात के मौके पर शबे बारात किट डिस्ट्रीब्यूट की और इस किट में गरीबों के लिए राशन के सामान है। एक खबर ये भी आई कि साइबर क्राइम पॉलिसी के तहत ये भी एक खबर आ रही है कि व्हाट्सएप ग्रुप जो लोग ने बना रखे हैं उनको एडमिन को जेल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने ऐसी कुछ ग्रुप बनाई है और उस ग्रुप से अगर किसी के मजहब को ठेस पहुंचता है या फिर कोरोना को लेकर कुछ गलतफहमी अफवाहें फैलाई जाती है या फिर कुछ ग्रुप में ऐसी भड़काऊ लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे नुकसान हो, तो इसकी तस्दीक की जाएगी और आईपीसी 153 धारा के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी और हो सकता है उन्हें जेल भी जा सके। तो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है, वो ऐसे ग्रुप पे ध्यान दें कि उनके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उसमें इस तरह का हरकत ना हो जिससे लोगों को ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़े। और दोस्तों, अब चलते चलते बस ये अर्ज करना चाहूंगा कि एक छोटा सा वायरस जो पूरी दुनिया में फैल
फैल गया है और ताकतवर मुल्क के नाकों को चना चिबा दिया है। नशे में जो दुनिया थी, उन लोगों को एहसास हो रहा था कि वो दुनिया के नशे में जमीन के खुदा बन गए थे और समझने लगे थे कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है। लेकिन अब ये जो मुट्ठी थी वो आस्ते आस्ते उनकी हाथों में फिसलती जा रही है और देखते देखते ही ये एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। आज अमेरिका हो, फ्रांस हो, इटली हो, वहां जहां पे कहा जाता था कि वहां पे साइंस के बहुत सारे लेबोरेटरी हैं, लेकिन आज ये वायरस उनके भी काबू से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुसीबत की घड़ी में सरकार ने जो लॉकडाउन का आदेश दिया है, हम इस वायरस से अगर जीतना चाहते हैं तो हम लॉकडाउन का पालन करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा घर में रहें और ये सोचे और ये एहसास करें कि अगर शाखें रही तो जिंदगी में भी पत्ती भी आएगी। नमस्कार।